हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग करके दिखाऊंगी। ये बैक हुक होगा तो ये बिल्कुल अलग तरीके से मैं काट के दिखाऊंगी। ये फ्रंट पे कोई ओपन नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट निकाल लूंगी। तो लेंथ आपको अपने हिसाब से लेना है, जितना लेंथ आपको चाहिए। मैं 14.5 इंच लिया। इसको थोड़ा यहां से सीधा कर लेना है। ये 14.5 इंच, 13.5 इंच चाहिए। मैंने सिलाई के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लिया। यहां से भी लेना है 14.5 इंच। अब इसको सीधा करना है। तो अभी सबसे पहले शोल्डर देना है। शोल्डर 5.5 इंच चाहिए। ये बैक में हुक होगा, ओपन होगा बैक साइड पे, इसलिए हुक पे हाफ इंच दबेगा, इसलिए 0.6 इंच ज्यादा लेना है। तो टोटल मैंने 6.1 इंच लिया। 6.1 ये हो गया शोल्डर। उसके बाद आर्म होल देना है। आर्म होल में 6 इंच रखूंगी, इतना यहां से भी लेना है 6.1। अब इसको सीधा करना है। उसके बाद छाती लेना है। ये टू फोल्ड में है, 36 है ये साइज। तो 36 का चौथा हिस्सा लेना है 9 इंच। उसके बाद मैं इस पर ज्यादा नहीं रखूंगी एक्स्ट्रा, 1.5 इंच लिया। अब अपने हिसाब से और भी ज्यादा ले सकते हो, 2 इंच या 2.5 इंच, जितना आपको चाहिए आप अपने हिसाब से ले सकते हो। अभी आर्म होल का गोलाई देना है। ये मैं 1.5 इंच पे रखूंगी। फिर यहां से थोड़ा नीचे की तरफ डाउन करके देती हूँ। उसके बाद नेकलाइन देना है। नॉर्मली मैं 2 इंच देती हूँ, तो अभी 0.6 इंच ज्यादा लेना है। तो 2.6 मैंने लिया नेकलाइन, क्योंकि हुक के लिए बैक साइड पे मैंने 0.6 इंच एक्स्ट्रा लिया। अभी नेक डेप्थ लेना है। ये मैं 9 इंच रखूंगी। यहां से भी लेना है सेम, पहले इस तरह से 0.6 पे पॉइंट देना है। तो आपको यहां पर जितना चौड़ा चाहिए आप अपने हिसाब से ले सकते हो। 3.1 भी दे सकते हो, जितना आपको चौड़ा चाहिए आप अपने हिसाब से ये दे सकते हो। तो मैंने इस तरह से लिया। उसके बाद इधर है 10.5 और इधर रखूंगी मैं 10 इंच। आप अपने हिसाब से 1 इंच भी कम ले सकते हो, 9.5 भी दे सकते हो। तो अब इसको काट करना है। तो ये मैंने जो बैक पार्ट काट के इसको इस तरह से रखा, ये टू फुल किया, ये ओपन साइड है और ये जॉइंट साइड है। इसमें जो फ्रंट साइड है इसमें जॉइंट साइड रहना है, क्योंकि फ्रंट पे कोई अलग से जॉइंट नहीं होगा। तो पहले ये जो बैक पार्ट है इसको इस तरह से मिटा देना है। और नॉर्मली मैं इस साइड से 2 इंच ज्यादा लेती हूँ, लेकिन इस पे मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखूंगी। 1.5 ये मैंने पॉइंट दे दिया 1.5 इसमें क्यों दिया, क्योंकि ये जो कटोरी है इसमें फ्रंट पे जहां पे हुक होता है उस साइड पे जॉइंट नहीं होगा, सिर्फ इस साइड पे जॉइंट होगा, इसलिए मैंने हाफ इंच इस पे कम रखा, क्योंकि ये बैक साइड पे हुक होगा। उसके बाद जैसे ये है बिल्कुल वैसे इस पर पहले पॉइंट देना है। ये पॉइंट दे दिया, अभी इसको उठा देना है। तो पहले आर्म होल के लिए शेप देना है।
6 इंच से थोड़ा कम रखना है, हल्का सा, ये हो गया। अभी थोड़ा शेप देना है, डबल कटोरी पे ज्यादा शेप नहीं देना है, हल्का सा, हाफ इंच से भी कम देना है। इस तरह से ये शेप देना है। तो अभी कटोरी के लिए मेजरमेंट लेना है, पहले नेक डीप लेना है। ये मैं 5.5 इंच रखूंगी। आप अपने हिसाब से जितना आपका हाइट है, हाइट के हिसाब से ये आप दे सकते हो। अगर आपका हाइट ज्यादा है तब 6 इंच भी दे सकते हो। तो यहाँ पे और एक पॉइंट देना है 5 इंच पे। तो इसमें मैं 2 पॉइंट दिया, इसको सीधा यहां तक लेके आना है, इसको लास्ट तक लेके आना है। तो अभी इसमें से क्या करना है, इस साइड से इस साइड आना है। 2.5 से थोड़ा कम रखूंगी मैं, इतना दिया, इतना तक मैंने दिया, यहां तक। अभी इसको इसके साथ मिलाना है, ये मिला दिया। फिर यहां से आप आइडिया से भी दे सकते हो या इंची टेप से भी मेजरमेंट लेके दे सकते हो। 1.5। अभी इसको भी शेप देना है, इस तरह से ये शेप दे दिया। उसके बाद जैसे नॉर्मल कटोरी के लिए मेजरमेंट देती हूँ उसी तरह ये इसपे भी देना है 6 इंच। यहाँ पे मैंने यहां से यहां तक 6 इंच लिया। तो अभी इसमें क्या करना है, थोड़ा ये जो कटोरी है थोड़ा प्रिंसेस कट की तरह होगा। इसमें आपको क्या करना है, जितना छाती है, जैसे 36 इसका छाती है, 36 साइज है, तो 36 को आपको 10 से डिवाइड करना है। 10 से डिवाइड करने से ये 3.6 इंच आता है आपका कटोरी के लिए। तो 3.6 प्लस 3.6, ये जो कटोरी है इसका हाफ होगा 3.6, उसके बाद होगा 3.6। टोटल जो कटोरी है ये होगा 7.2 इंच। टोटल जो कटोरी होगा ये होगा 7.2 इंच, जो नॉर्मली मैं लेती हूँ। तो उसके साथ मैं क्या करती हूँ, सिलाई मार्जिन के लिए 0.8 इंच से 1 इंच ऐड कर लेती हूँ। अगर किसी को थोड़ा कटोरी ज्यादा चाहिए तब 1 इंच लेती हूँ, अगर कम चाहिए तब मैं 0.8 लेती हूँ। तो अभी इसमें 0.8 ऐड करना है, तो टोटल होगा 8 इंच। यहां से यहां तक ये होगा 8 इंच कटोरी। तो मुझे टोटल कटोरी चाहिए 8 इंच 36 साइज पे। हर साइज के लिए सेम मेजरमेंट है, इससे अलग कुछ नहीं है। जैसे ये मेजरमेंट निकल आया है बिल्कुल सेम तरीका है। 0.8 से आपको 1 इंच ऐड करना है, अगर छोटा चाहिए तो 0.8, अगर ज्यादा चाहिए तो 1 इंच ऐड करना है, साइज कुछ भी हो। पहले आपको जितना छाती है उसको 10 से डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने के बाद जितना मेजरमेंट आता है उसके साथ आपको ये मेजरमेंट ऐड करना है। किसी को बहुत ज्यादा चाहिए तो मैं 1.5 भी ऐड करती हूँ, वो साइज के हिसाब से करती हूँ। उसके बाद ये जो कटोरी है, सपोज ये कटोरी है, ये हुआ कटोरी, तो ये इसका मिडल है, तो इसका इस साइड पे कोई जॉइंट नहीं होगा, इस साइड पे जॉइंट होगा। इसके साथ इस साइड पे जॉइंट होगा, लेकिन इस साइड पे कोई जॉइंट नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी जॉइंट साइड है। तो इसलिए मुझे क्या करना है, मैंने 0.8 ऐड किया था इसके साथ, तो अभी इसमें क्या करना है, 0.4 इंच हमें माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद इस पे 7.6 इंच रहेगा। तो मुझे टोटल कटोरी 7.6 इंच चाहिए सिलाई मार्जिन लेके। तो अभी यहां से मैं कटोरी रखूंगी 7.6 इतना। तो अभी इसको पहले सीधा कर लेना है। तो जितना मैंने कटोरी के लिए लिया इसका हाफ करना है, तो
तो अभी यहाँ से यहाँ तक कितना मिला था 7.6 इंच, इसका हाफ करना है, इसका हाफ होता है 3.8, तो ये होगा इतना इसका हाफ। अभी ऊपर की तरफ कितना उठाना है 1.4 इंच, इस साइड भी देना है 1.4। अभी इसको मिलाना है, इस तरह से। उसके बाद ये लगभग 3.5 इंच आएगा। इस तरह से करने से ये जो पार्ट है ये थोड़ा ज्यादा ही रहता है, इसको इस तरह से मिला के देना है ऐसे। तो अभी इसमें से और भी थोड़ा सा शेप देना है, ज्यादा नहीं हल्का सा, इस तरह से। उसके बाद इसका जो नीचे का पार्ट है वो काटना है। ये मैं 4.5 इंच पर रखूंगी, बाकी सेम तरीका रहेगा। यहां से 1/2 इंच और यहां से 1.4 इंच। अब इसको मिलाना है इस तरह से, और यहां से हल्का सा इस तरह से उठा के देना है। ये देखिए कितना 1.5 इंच तक मैंने इस तरह से उठा के दिया। अभी यहां से थोड़ा सा शेप देना है, इतना चौकुर रखने से आपका फिटिंग अच्छा नहीं आएगा, इसलिए यहां से फिर यहां से लेना है। ये मैं 7 इंच पे रखूंगी, तो इसको इस तरह से देना है। इसको ऐसे सीधा नहीं देना है, हल्का सा तिरछा करके देना है। ये जो मेजरमेंट है बिल्कुल मैं पहले जो डबल कटोरी दिखाया था सेम है। इसमें क्या करना है आपको, सिर्फ यहाँ से जो मैं ज्यादा लेती हूँ 2 इंच लेती हूँ, इसमें 1.5 इंच लेना है, क्योंकि इसमें फ्रंट पे कोई जॉइंट नहीं होगा, इसलिए मैंने 1/2 इंच कम कर दिया। तो कटोरी पे सेम किया मैंने, जो हुक पट्टी आई पट्टी होता है इसमें हुक पट्टी भी नहीं होता है, आई पट्टी भी नहीं होता है, इसलिए मैंने 1/2 इंच कम किया। तो सेम तरीके से आप थोड़ा सा चेंज करके ये इजीली कर सकते हो। अभी नेक पे थोड़ा शेप देना है, इस तरह से। उसके बाद नीचे का जो बेल्ट है ये काटने के बाद मैं दिखाऊंगी, पहले इसको काट कर लेती हूँ। उसके बाद नीचे का ये बेल्ट काट करना है। तो बेल्ट के लिए आपको ये जो बैक पार्ट है बिल्कुल बैक पार्ट को इस तरह से रखना है, जितना बैक पार्ट का चौड़ाई है उसी हिसाब से आपको ये लेना है। तो इतना तक आ रहा है ये, अब यहां से बेल्ट कितना लेना है। ये जो फ्रंट है फ्रंट में मैं कमर पट्टी लगाऊंगी, तो ये मैं 4 इंच लिया यहां से, फिर इसको सीधा करना है। अभी देखिए यहां से कितना है 5 इंच, तो यहां से लेना है 4.5, थोड़ा कम कर लेना है, इस तरह से इसको मिला के देना है। तो ये बेल्ट भी तैयार हो गया। तो अभी आस्तीन के लिए मेजरमेंट ले रहा है, यहां से यहां तक आपको मेजरमेंट लेना है। देखिए कितना है 8 इंच है, तो मैं 9 इंच का आस्तीन का चौड़ाई रखूंगी। और ये जो आस्तीन है बहुत ही छोटा होगा आस्तीन,
तो ये 2.5 इंच का आस्तीन होगा, इसे भी सिलाई पे दबेगा, इसे भी सिलाई पे दबेगा। तो हमें कितना चाहिए, 9 इंच चाहिए। तो इसमें है 8 इंच, हमें 1 इंच एक्स्ट्रा ज्वाइंट करना है। तो उसके पहले मैं इसको सीधा काट लेती हूँ। इस तरह से मैंने दिया, देने के बाद यहां से मुझे नीचे की तरफ लेके आना है और ये मैं रखूंगी 2 से थोड़ा 2.2 रखूंगी, यहां से यहां तक 2.2। फिर इसको इस तरह से मिला दीजिएगा। ये हो गया। फिर यहां से मुझे 1 इंच एक्स्ट्रा ज्वाइंट करना है, तो इस पर अभी नहीं है इसलिए मैं यहां से ले लेती हूँ 2.5। यहां से लिया मैंने 2.5। फिर इसको शेप देती हूँ इस तरह से। तो मुहरी मुझे अभी काट नहीं करना है, इसको बाद में काटना है। अभी फिलहाल इसको ऐसे ही काट लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने आस्तीन भी काट कर लिया। तो अभी देखिए ये किस तरह से आएगा, बिल्कुल इस तरह से ये रखना है। ये है नीचे का पार्ट, बिल्कुल इस तरह से, और ये है साइड का ऐसे। और ये है नीचे का योग पट्टी। तो ये है नीचे का योग पट्टी। तो अगली वीडियो पे मैं किस तरह से ये स्टिच करना है स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा दिखाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूले। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।